कमर में दर्द रहता हो या फिर साइटिका के भयंकर दर्द से आप परेशान हैं, आपके घुटने में, आपके कलाई में, आपके एरी में या फिर कहीं भी आपको दर्द रहता हो, या तो आपको कब्ज की समस्या हो, बवासीर का प्रॉब्लम हो या कॉन्स्टिपेशन हो, या कहीं भी हड्डियों में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, यहाँ तक कि गठिया का भी दर्द हो, सारा कुछ ये आज का जो होम रेमेडी है बहुत ही असरदार है सारे दर्द को दूर करने के लिए। साथ ही साथ अगर आपको सूजन हो गया है तो सूजन को भी ये ख़त्म करेगा, यहाँ तक कि कफ और वात को भी ये नष्ट करेगा। यहाँ तक कि जिनको भी सिर दर्द रहता है हमेशा, तो ये सिर दर्द में भी काफ़ी लाभ दिलाता है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, और इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को पहचानते हैं तो आप बिना किसी मशक्क़त के आप इसे बना सकते हैं। ये जो पौधा देख रहे हैं इसमें छोटी छोटी फूलें आती हैं, और इसको हम बोलते हैं निर्गुंडी, निर्गुंडी का पौधा। निर्गुंडी के पौधा जो हैं उसके फूल के भी लाभ हैं, उसके डंठल के भी लाभ हैं और उसके पत्तियों के भी लाभ हैं, लेकिन इसकी पत्तियां जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होती हैं किसी भी तरह के दर्द को दूर करने में। इसके पत्तियों को और पेड़ को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही असरदार होती है। इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है, तो इसके साथ में एक काढ़ा और बनाना सिखाऊंगी, दोनों बहुत ही आवश्यक है। पत्तियों को देखिए, ये 3 पत्ती की भी आती है और 5 पत्ती की भी आती है, दोनों ही लाभकारी होती है। और इसे सबसे पहले हम पत्तियों को तोड़ कर लाएंगे और पत्तियों को हम धो लेंगे अच्छी तरह। आप 10 से 12 पत्तियां का प्रयोग कर सकते हैं, पहले थोड़े कम से प्रयोग करना शुरू करें 10 पत्तियों से, और इसके डंठल को हटा दीजिए। देख लीजिए इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार से हैं, और पत्तियों को हमें क्या करना है, कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि पत्तियां अच्छे से काम करें। और फिर ये पत्तियों को हमें जो जिसमें हम अदरक कूटते हैं, मसाले कूटते हैं, उसमें डाल लें और इसे अच्छी तरह से कूट कर हमें थोड़ा पतला दरदरा पेस्ट जैसा बना लेना है। शोध के अनुसार भी ये साबित किया गया है कि ये सूजन में बहुत लाभ दिलाता है और दर्द में भी बहुत फ़ायदा देता है। जैसा कि ये इसमें एक तत्व होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी डायबिटिक होता है। तो जिनको शुगर की समस्या है, जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो वो भी इसे ले सकते हैं, उनको भी बहुत लाभ दिलाएगा। यहाँ तक कि इसमें एंटी कैंसर वाले तत्व भी होते हैं, तो कैंसर वाले सेल को ये नहीं होने देते हैं। एंटी माइक्रोबियल होते हैं गुणों से भरपूर, जिससे जिनको भी कफ वगैरह की समस्या है तो वो भी इससे दूर हो जाती है। अस्थमा में भी बहुत लाभ दिलाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पत्तियों को हमने दरदरा कूट लिया है, तो अब इसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। इसकी मात्रा जितना मैं बता रही हूँ उतना ही लें, 10 पत्तियों से ज़्यादा ना लें। और देखिए पत्तियाँ अच्छे से कूट गई हैं, तो अब हम एक बर्तन ले लेंगे। बर्तन में हम लगभग जिसमें हम चाय बनाते हैं वो वाली बर्तन, और इसमें गैस का फ्लेम रखें मीडियम पे, कम आँच पे रखें, और इसमें आपको 2 कप जो चाय पीने वाली कप आती है उससे 2 कप आपको पानी डालना है। पानी हल्का जब गुनगुना हो जाए तो अब हम इस पत्ती को हम डाल देंगे। इस पत्ती को हम निर्गुंडी की पत्ती बोलते हैं। फिर से आपको मैं बता देती हूँ, इसमें औषधीय गुण होते हैं और ये झाड़ी में मिल जाता है ये इसकी पौधे, और इसे हम अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे संभालू, सम्मालू, शिवरी, निसिंदा, सेफाली, सिंदूरवार, सिंदूरवार के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसको अनेकों नामों से हम जानते हैं, और अगर ये मिल जाता है आपको तो आप ये समझ लें कि आपके जो दर्द से आप परेशान हैं, सूजन से परेशान हैं, सारा कुछ दूर हो जाएगा अगर आपको ये पौधा मिल गया। अगर ये पौधा नहीं भी मिला तो आप आयुर्वेदिक शॉप यानी दुकान पे जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे इसका पत्तियाँ ज़रूर सुखाकर मिलती होंगी। इसके फूल भी मिलते हैं लेकिन पत्तियों के लाभ ज़्यादा हैं।
तो देख लीजिए, अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। 2 कप पानी का इस्तेमाल हमने किया था, तो इतनी देर हम उबालेंगे जब तक ये पानी 2 कप से आधा ना हो जाए। तो इसे कम से कम 6 से 7 मिनट आपको लग जाएगा बनाने में। तो देखिए ये हो गया है अभी तैयार, तो इसे हम छान लेंगे। दोस्तों आपको कमर दर्द भी हो तो इसमें ये फ़ायदा दिलाएगा। साइटिका का जो भयंकर दर्द है उसमें भी बहुत आराम दिलाता है। स्लिप डिस्क में भी ये फ़ायदेमंद है, पाचन क्रिया को ठीक रखता है। तो देखिए इसको हम निकाल लिए हैं कप में, और इसे आपको लेना कब है, सुबह नाश्ता करने के 15 मिनट बाद आप इसे ले लें। इसके बाद एक और काढ़ा मैं आपको बताऊंगी, जिससे बहुत ज़रूरी है आपको इसके लेने के आधा घंटा के बाद यानी 30 मिनट्स के बाद आपको वो वाला काढ़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, ये कब्ज को दूर करती है, जैसा मैंने बताया बवासीर को भी दूर करती है, वात को बैलेंस करती है हमारे शरीर में। लेकिन अगर हम इसके लेने के आधा घंटा के बाद अगर दूसरा वाला जो काढ़ा मैं बता रही हूँ अभी वो ले लेंगे, तो दोनों मिलके बहुत अच्छा काम करेगी, दर्द को दूर करेगी और भी जल्दी इसके जो फ़ायदे हैं वो दुगने हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं वो वाला काढ़ा कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हम फिर से डालेंगे 2 कप पानी। दोनों को एक साथ नहीं लेना है, मैं आगे और बता दूंगी आपको कैसे लेना है। 2 ग्लास पानी डाल दीजिए और इसमें पानी हल्का जब गुनगुना हो जाए तब हम डालेंगे छोटे चम्मच से 1 चम्मच अजवाइन के, जो अजवाइन घर में होते हैं जो पूड़ियाँ वगैरह बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, वो वाली अजवाइन हम ले लेंगे। और इसे भी अच्छे तरह से उबालेंगे लगभग मीडियम फ्लेम पे हम 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि ये 2 कप का जो पानी था वो आधा कप यानी 1 कप सॉरी हो जाए, आधा हो जाए पानी। तो देखिए ये पककर हो गया है आधा, और इसे तेज आंच पे नहीं पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, बहुत आवश्यक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, छान लेंगे 1 कप में निकाल लेंगे, और जो निरगुंडी के पत्ते वाला काढ़ा हमने बताया था उसको लेने के आधा घंटे के बाद आपको ये लेना है, जो शरीर के जो भी वात दोष है उनको दूर करती है, साथ ही साथ ये हड्डियों के दर्द के लिए भी अच्छा है, नसों में ब्लॉकेज हैं तो उनको दूर करेगा, पाचन क्रिया को सही रखेगा, और यहाँ तक कि ये इन्फ्लेमेशन यानी सूजन वगैरह पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप इस्तेमाल करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो बातें समझ नहीं आएंगी। और क्या करना है, एक और बात आपको बता दूं, जो अजवाइन वाला काढ़ा है उसमें आपको मिलाना है काला नमक 1 चुटकी, तब ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। दोनों का इस्तेमाल करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।